आखिर क्या हुआ जब अर्जुन भूल गए गीता का उद्देश्य। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख इस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। वो जो गीता में नहीं कहां और ढूंढ पाओगे, गीता ज्ञान का वो सागर है जिसकी था नहीं पाओगे। भगवद गीता भारतीय संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है जिसने युगों युगों से मानव जाति का उद्धार किया है। ये वो वरदान है जो मानव जाति को भगवान ने अर्जुन के जरिए दिया था। श्रीमद् भगवद गीता आज के समय पर मानव दर्शन और अस्तित्व का आधार कहा जा सकता है, जिसका प्रभाव कई हजारों सालों से ज्यों का त्यों विद्यमान है। पर क्या हुआ जब अर्जुन खुद भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया ये महान उद्देश्य भूल गए। ये प्रसंग हमें महाभारत के अश्वमेघ पर्व में मिलता है। साथ ही जैमिनीकृत महाभारत में अश्वमेघ पर्व पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। महाभारत में गीता को दोहराए जाने की कहानी ऋषि वैशंपायन द्वारा जन्मजय को सुनाई जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पांडवों की विजय और परीक्षित के दोबारा जीवित होने के बाद और उनकी खुशी में यह निर्णय लिया गया कि पांडवों द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। दरअसल जब श्री कृष्ण यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे तो अर्जुन ने उनसे आकर कहा, हे वासुदेव, आपने महाभारत के युद्ध के दौरान जो हमको भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया था मैं भूल गया हूँ, क्या आप मुझे वो ज्ञान दोबारा प्रदान करने की कृपा करेंगे? कृष्ण ने पहले अर्जुन को इस बात के लिए डांटा, वो ऐसे ज्ञान को भूल गया जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों का उत्तर है और मोक्ष का सीधा मार्ग भी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए कही हुई सभी बातों को उसी तरह दोहरा पाना संभव नहीं है, पर अर्जुन के काफी कहने पर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को संक्षिप्त रूप से दोबारा सुनाना शुरू किया। इस प्रकरण को अनुगीता के नाम से जाना जाता है। अनुगीता को कई विद्वान भगवद गीता का सारांश मानते हैं। ये बात अलग है कि अनुगीता कई मायनों में भगवद गीता से काफी अलग है। जैसे अनुगीता ज्ञान योग और भक्ति योग पर आधारित ध्यान देती है और कर्म योग पर नहीं, जबकि भगवद गीता निष्काम कर्म योग को भी मोक्ष का आधार मानती है। दरअसल महाभारत में हमें कई अलग अलग कुल मिलाकर 12 गीताओं का वर्णन मिलता है, जैसे भगवद गीता, राम गीता, अनुगीता, अद्भुत गीता, व्याद गीता इत्यादि। ये सभी गीताएं अलग अलग ऋषियों और विद्वानों द्वारा मानव जाति के कल्याण हेतु कही गई है। गीता का शाब्दिक अर्थ है वो जिसे गाया जा सके। इस कारण हमें महाभारत में अलग अलग गीताओं का जिक्र मिलता है। अनुगीता भी इसी परंपरा का हिस्सा है। और गौरतलब ये भी है कि अनुगीता और श्रीमद् भगवद गीता दोनों अर्जुन को ही सुनाई गई है। इस तरह अर्जुन को एक नहीं कई बार गीता का ज्ञान मिला जो न केवल अर्जुन बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के काम आया, आता रहेगा और आगे भी हर किसी के काम आएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।